नमस्कार पहलाक और छोटो को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद कर लूँ कि सब लोग ठीक है नला। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूँ, मैं हूँ पूनम बिश्नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटाबाग से। और आजकल मैं ही हूँ अपने मायके, मायका है मेरा हल्द्वानी। तो मायके में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है, आज मेरा लास्ट एग्जाम है, आज है 9 तारीख और आज सुबह को 4 मंथ कम्प्लीट हो चुका है। और आज यहाँ का मौसम देख लीजिए, धूप आ रखी है सुबह से ही। सुबह हल्का हल्का कोहरा था लेकिन अभी धूप आ चुकी है। तो बस नाश्ता पानी कर लेते हैं, टाइम हो गया है, 9 बज गया, लेकिन शुभ अभी तक सोई हुई है। तो बस मम्मी देख लेगी शुभ को। तो नाश्ता बन के तैयार हो गया, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में क्या बना रखा है? ये आलू शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनी हुई है। मैंने सुबह को उठाने की कोशिश करी लेकिन उसे इतनी गहरी नींद आई है क्योंकि कल वो 12 बजे सोई, और वो 12 बजे सोई तो मम्मी इतनी सारी सब्जी नहीं कम करे पेट बहुत सब आधा पेट खा रही, लेकिन मुझे इतनी भूख नहीं है। सुबह सुबह ना मन नहीं करता है कुछ खाने का, इतनी अच्छी रोटी बना रखी है, पेट में जाएगी बाद में तो खा नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद एग्जाम देने चले जाऊंगी। आपसे मिलूंगी अब सीधा एग्जाम देने के बाद। चलो फिर, और मोबाइल को घर पे रख के जा रही हूँ, मोबाइल लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि मोबाइल का मेरा कोई यूज़ नहीं है एग्जाम देते टाइम। एग्जाम देने जाना है, उसके बाद एग्जाम देके सीधा आना है, तो मोबाइल ले जाके क्या ही करूँ ना। चलो फिर मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। ये रहा नाश्ता, ये है मडवे की और गेहूं की रोटी, मतलब लेसू रोटी और आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं और बाद में मिलेंगे आपसे एग्जाम देने के बाद। चलो फिर बाय बाय। तो 2 बज गया है और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर एग्जाम दे करके। और शुभी और मम्मी खेलने वाले, आँख पे लग के आई हुई यार, अब इतना टाइम हो गया, अब आदत सी बन गई है। यहाँ देखो शुभू को धूप ना लगे करके छाता लगा रखी है, और मम्मी शुभू के साथ खेलने में लगी है। शुभू कौन है? मम्मा आ गई। शुभू मम्मा आ गई, कुछ हो गया कुछ हो गया। शुभू मम्मा आ गई, क्या कर लेते मिला बच्चा? चिच्चू मुच्चू करने में लगे थे, अच्छे 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 बड़ो 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 बड़ो, अब नहीं है मेरे तरफ ध्यान। कहाँ गई थी पूछ रहे हो? तो आज ना पहली बार मैं शुभू की मालिश छत में कर रही हूँ, तो मालिश का सारा सामान लेके आ गई हूँ, तेल पाउडर डायपर सब कुछ लेके आ गई हूँ। और हमारा शुभू बच्चा रेडी हो गया मालिश के लिए, और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं शुभ का फोटो शूट ऊपर ही कर लूँ या नीचे जाके करूँगी। चलो पहले मालिश कर लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, है ना शुभ, उसके बाद देखा जाएगा। तो शुभ को ना मैंने सुला दिया था और ये फिर उठ गई मैडम, ये मैडम फिर से उठ गई। तो आज ना शुभ की 4 मंथ कम्प्लीट में मैं ये वाला केक लेके आई हूँ। इससे पहले बिठाने वाले लेके आए थे लेकिन ये वाला ना थोड़ा ज़्यादा भी आता, मुझे अच्छा लगता है ये वाला केक। तो इसमें क्रीम नहीं होती है, तो क्रीम नहीं होती है, मतलब पेस्ट्री ना घर वालों को कम पसंद है क्योंकि उसमें क्रीम ज्यादा होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, क्रीम को साइड कर देते हैं, ब्रेड ही ब्रेड खाते हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना ब्रेड ही ब्रेड लाया जाए, ये अच्छा होता है। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना, सबको पसंद है, अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, पापा को भी अच्छा लगता है। लेके आते थे पहले से, अच्छा ये पहले से चलते थे, अभी किसी किसी शॉप में मिलते हैं ये वाले केक। यहाँ हल्द्वानी में तो कहाँ खाई है, कहीं खाए। और मम्मी इस टाइम पे अपने लिए चाय लेके आई, मेरे लिए फिर से दूध लेके आ गई, मैं सुबह भी दूध पिया था फिर दोबारा दूध पी रही हूँ। चलो फिर हम जल्दी से खा पी लेते हैं, फिर ना शाम के टाइम पे करूंगी सुबह का फोटो शूट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगी, उसके बाद शाम को आराम से फोटो शूट करेंगे सुबह का। अब बेटी सोने देगी तब ना। हाँ ये भी है, चलो पापा इसको दे दो। हे एवरीवन, तो कल वाले वीडियो को ना मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो गया था, क्योंकि कल मेरा पेपर था और कल सुबह जल्दी उठ गई थी और परसों रात को देर में सोई, तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, शुभी और मैं सो गए दोनों के दोनों। तो कल का वीडियो एंड नहीं हो पाया, और कल शुभी का ना 4th मंथ कम्प्लीट का मैं फोटोशूट भी नहीं कर पाई, तो सोच रही हूँ आज कर लेती हूँ। और आज मैं फिर से दूसरे फ्लावर्स से 4 लिखने का सोच रही हूँ, तो व्हाइट बेडशीट में शायद वो फीका पड़ जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ इसी में लिखने का, ये वाली बेडशीट में। वैसे तो प्लेन है ये, हल्का इसमें डिजाइन बना हुआ है। तो चलो फिर चलते हैं खेत में, फूल तोड़ के लाते हैं। मम्मी से पूछती हूँ कौन सारे फूल तोड़ने हैं, टोकरी पकड़ लेती हूँ हाथ में। मम्मी मुझे टोकरी भी दे दो, इसमें तोड़ के लाओ, ये नीली वाली टोकरी थी एक, इसमें किसमें तोड़ के लाओ,
इसमें भी तोड़ सकती है और मंदिर की टोकरी दोनों ना, ना कोई से भी ये प्लेट ही ले जा लेती हूँ बस, और मुझे बता दो कि कौन सी वाली वो है, कौन से वाले से तोड़ना है। किसी से भी तोड़ ले, अब तो सीजन जाने वाला है। अच्छा चलो और शुभी को दिखाऊं आपको, कल शुभी को नहीं नहलाया था क्योंकि कल मेरा पेपर था ना, तो शुभी को नहीं नहलाया कल क्योंकि मैं उसे शुभी को अपने सामने ही नहलाती हूँ। ये ना मेरा शुभ बच्चा, शुभी ने नहाया धोया है, शुभ को मैंने पूरा तैयार कर दिया है ना, शुभ मैंने तैयार कर दिया ना पूरा, बस अभी फोटो शूट करेंगे। चलो फिर मैं तब तक फूल तोड़ के ले आती हूँ। चलो फिर देखिए इतने सारे मैं गोदावरी के फूल लेके आ गई, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मम्मी तो गोदावरी कह रही है लेकिन पता नहीं कौन सा फूल कहते हैं, तो इतने सारे मैं तोड़ के ला गई हूँ। आज इनसे फूल लिखने का सोच रही हूँ मैं, देखते हैं इनसे लिखा जाता है या फिर प्लान दोबारा से चेंज हो जाता है, मेरा तो ऐसा होता है ना हर बार, तो मैं सोचती क्या हूँ हो कुछ और जाता है, आज मैंने कुछ सोचा नहीं था तो आज मैंने कहा चलो इन्हीं से लिख देती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वैसे कभी लाइट आ रहा है इनका कलर, कभी डार्क आ रहा है, ये देखो बहुत सारे तोड़ के लागे। मम्मी ने कहा तोड़ ले कोई बात नहीं, वैसे भी सूख रहे, इनका सीजन जा रहा है, तो बस वाइट में ना ये उतना अच्छा शायद खिल नहीं पाता ये वाला कलर, ये देखिए क्योंकि थोड़ा सा लाइट है ना ये, तो इसमें थोड़ा सा डार्क लगेगा ये, तो पहले मैं फूल लिख लेती हूँ, सब कुछ डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद ही लेके आऊँगी शुभी को। चलो फिर इतना ठंडा हो रहा है ना, पहले तो कोई चप्पल पहनती हूँ। यार मम्मी ने चप्पल कहाँ रखी होगी, चप्पल कहाँ रखी होगी, अरे हाँ, अरे हाँ मिल गई, अंदर ना इतना ठंड हो रही है, अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब नंगे पाँव रहा ही नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इतने सारे फूल मैं लेके आ चुकी हूँ, ये देखिए, तो अब इनसे मैं जल्दी से फूल लिखती हूँ। वैसे ना ये वाले जो फूल है थोड़ा सा लाइट कलर में है, तो अगर मैं वाइट बेडशीट बिछाती ना तो उसमें उतना अच्छा दिखता नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसी में ही करने का, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई डार्क बेडशीट नहीं है जो प्लेन हो, ज़्यादातर ना जो बेडशीट है उसमें सब फूल फाल बने हुए हैं, तो उसमें मैच नहीं होगा ये सब कुछ, तो इसमें बनाती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, वरना फिर मेरे को वाइट बेडशीट निकालनी पड़ेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फोर बन के तैयार हो गया है, ये देखिए, आपको शायद फ्रंट कैमरे से उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, शुभी को लेके आते हैं फिर आपको फोटो दिखाएंगे कि फोटो कैसी आ रही है। ये रहा हमारा शुभ बच्चा, शुभ सामने देखो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, शुभ स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, तो शुभी का फोटो शूट हो गया है। अब शुभू को ना धूप में लेके जाते हैं क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है नीचे। एक फूल पकड़ के ले जा रही हूँ, ये देखो शुभू ने फूल पकड़ा हुआ है। है शुभू आपको फूल बहुत पसंद आ गया है शुभू, चलो मिला बच्चा। तो शुभी को छत में रख दिया है, पापा बैठे हैं शुभी के साथ, ये रही शुभी बच्चा, और छाता रखी है ताकि शुभी के फेस में ना धूप ना आ पाए, इसलिए शुभी के लिए यहाँ पे छाता रखी हुई है, और आज बहुत अच्छी धूप आ रखी है, ये देखो बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है, धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है। मैं नीचे से और सामान ले आती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी छत में बैठूँगी। चलो और खुशबू आने लगी है, मम्मी खाना बनाने लग गई है, टाइम पता कितना हो गया, अभी अभी 1 बज गया है। चलो चलो चलो, आज अच्छी धूप आ रखी है, अच्छी धूप आ रखी है, 12 बजे आज 1 बजने वाला था, 1:15 हो गया है। फल फूल मुझे दे दो, मैं ऊपर ले जाती हूँ। और आज खाने में क्या बन रहा है, बड़ी की सब्जी बन रही है आज,
और मैं रोटी खाऊंगी। अब मुझे अपना वेट लूज करना है, आज तक नहीं जी थे तो मैंने जी भर के जितना खाना था खा लिया और बहुत वजन बढ़ गया है मेरा। और अब मेरा आज से टारगेट है अपना वजन कम करने का। अब मैं यहाँ तो है नहीं ना वेट नापने वाली मशीन, तो वहीं है ससुराल में। अब जब ससुराल जाऊंगी तो वहाँ वेट नापा जाएगा कि कितना हो गया है मेरा वेट। लो क्या क्या फल लेके जाओ मम्मी। और आजकल ठंड के दिन चल रहे हैं और शुभी ने आज नहाया भी है, तो हफ्ते में दो दिन नहलाते हैं हम शुभी को। तो मैं सोच रही हूँ आज से स्टार्ट कर रही हूँ वैसे, तो शुभी के तेल में ना हल्का सा ये लहसुन पका रही हूँ और थोड़ा सा अजवाइन, सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन पका करके छान के इस तेल की मालिश कर रही हूँ। आज से स्टार्ट करा मैंने वैसे, तो मैंने लहसुन डाल दिया पूरा डब्बा और इसमें है अजवाइन। अजवाइन ना वैसे गर्म रहती है, तो एक पोटली में अगर सिराने में भी रख दिया जाए, बताया था किसी ने मुझे, तो उससे भी अच्छा रहता है। तो बस इतना सा इसको पका करके ये देखिए इसमें मैंने अजवाइन और ये क्या बोलते हैं इसको लहसुन डाल दिया है। और इस तेल को छान करके इसी तेल से मैं मालिश करूँगी शुभी की। तो गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि लहसुन भी देखो काला हो गया है, कहे तो ऐसी काली हमारी। तो इससे ना हल्की गर्माहट लगती है, बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ये सब चीज़ से थोड़ा सा बचे रहते हैं। एक तो शुभी की क्या है पहली सर्दी है ये, तो थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। ये देखो लगभग पूरा पक चुका है, अब मैं इसे ना छान लूँगी एक बर्तन में। तो शुभी का तेल बनके तैयार हो चुका है, अब करेंगे हम शुभी की मालिश। ये देखिए खुशबू भी ना काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें से, है ना शुभू। तो मैं और शुभी यहाँ पे बैठे हुए थे हीटर के आगे, थोड़ा सा गर्मी भी होगी क्योंकि ना बाहर क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा कोहरा लगा है, तो बिना हीटर चलाए तो आज को शाम को बिल्कुल काम चल ही नहीं रहा है। तो मम्मी पापा गए थे आज को मल्लो का जाम में, मंगल बाजार लगती वहां से लाए हैं मूंगफली। और शुभी के सर में ना आजकल क्या हो रहा है कि हल्की पपड़ी जैसी जम रही है, आपको दिख रही है नहीं दिख रही है? आप कहाँ देख रहे हो, ऊपर को देख रहे हो इसको, ये ऐसे ऊपर को देख रही है मोबाइल की तरफ को, बिगड़ रहा है मेरा बच्चा। तो ना हल्के आप इस वाले एरिया में क्रिडल कैप बोलते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं इसका नाम, तो इस इतने वाले एरिया में पपड़ी जम रही है। तो वैसे तो जब शुभी को नहलाते हैं तब मैं कॉटन के कपड़े से हल्का सा से रब कर देती हूँ, तो हल्का हल्का उस टाइम पे भी निकलता है। और बाकी जब मैं मालिश करती हूँ तो जब तब यहाँ पे ज़्यादा तेल लगा देती हूँ, उससे भी थोड़ा सा भीग जाता है तो तब भी निकलता है। और अगर आप लोग को इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन पता होगा कि किससे ये निकलती है पपड़ी, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। ब्लॉग का एंड कर दे। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मेरा बच्चा, गुड नाइट, गुड नाइट।